हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x। तो यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों इक्वेशन सॉल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 गिवन है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार y इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 प्लस log ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में LHS और RHS साइड में लॉगरिथम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं log of x to the power y is equal to log of 10 to the power 6। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों लॉगरिथम की, यदि क्वेश्चन में हमें गिवन है log of a to the power b, लिखा जा सकता है b into log of a। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो y है x to the power y, उसको हम आगे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं log y into log of x, प्रॉपर्टी की मदद से हमने इस प्रकार लिख दिया है। इसी प्रकार RHS में लिख सकते हैं 6 को आगे लेके आएंगे तो 6 into log of 10। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं log of 10 की वैल्यू जो होती है उसका बेस 10 होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन में y into log of x is equal to 6 into 1। ठीक है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय log of x, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय log of x। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय log of x is equal to, क्या है इक्वेशन नंबर 2 का RHS, 1 प्लस log of x। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 6 is equal to log of x plus log of x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, log x को हमने LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन से। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में log of x इसका होल स्क्वायर प्लस log of x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं log x को पुट कर देते हैं p के इक्वल। ठीक है, हमने log x को मान लिया है p के इक्वल, तो यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों वो क्या होंगे, p इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक, यहां पर b a b c की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम इक्वेशन से, a इज इक्वल टू है हमारे पास 1, b इज इक्वल टू है हमारे पास 1 और c इज इक्वल टू है माइनस 6। तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमारे पास आती है p की वैल्यू निकल के, वो है p इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहां से p की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो यहां से p की वैल्यू हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है दोस्तों माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 24 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो p इज इक्वल टू हमारे पास आता है
माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार हमारे पास p की दो वैल्यूज आती है, और p की वैल्यूज को हम किसके इक्वल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने माना था log ऑफ x इज इक्वल टू p, तो p को हम लिख सकते हैं log x के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार log x की हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आई है दोस्तों, माइनस वन प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वेशन 5 की मदद से हमारे पास log x की दो वैल्यूज आ गई है, माइनस वन प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर लिख लेते हैं log of x इज इक्वल टू, दो वैल्यूज हमारे पास आई है, पहली है माइनस वन, यदि प्लस लेते हैं तो प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास log x की, वो है माइनस वन माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3। इस प्रकार log x की वैल्यू हमारे पास 2 और चुकी है। इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, log x यदि 2 के इक्वल है, यहाँ पर बेस 10 होता है दोस्तों log में, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10 टू द पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार यदि log x की वैल्यू माइनस 3 है तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी दोस्तों, 10 टू द पावर माइनस 3। तो इस प्रकार x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है दोस्तों। इसी प्रकार x की दोनों वैल्यूज की मदद से y की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यदि x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 है तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x ही जब पुट करेंगे 10 टू द पावर 2, तो यहां से आ जाता है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को आगे लेके आएंगे प्रॉपर्टी की मदद से, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 10, और बेस क्या है 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 प्लस 2, यानी कि y की एक वैल्यू क्या आ गई, 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां से लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3। तो प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 3 को आगे लेके आएंगे तो माइनस 3 इंटू log ऑफ 10, और बेस क्या है यहाँ पर 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2 के इक्वल। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इस प्रकार हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है और y की दो वैल्यूज आ चुकी है। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।